आज हम ये देख रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फ्लो मीटर है जो कि आपको फ्लो डिटेक्ट करके बताएगा। ये हमारा सेंसर है और इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जस्ट उसका। बेसिकली मेरे पास एक 230 वोल्ट ऑपरेटेड इंडिकेटर है जो जहाँ से जो मैंने सप्लाई लिया है 230 वोल्ट दे दिया इसके टर्मिनल नंबर 1 और 2 पे, और जो करंट का है वो 13 और 14 नंबर यूज़ हो रहा है। 14 नंबर पॉजिटिव है, 13 नंबर नेगेटिव है। हमें एक 250 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 420 मिली एम्पियर के लिए। ये मेरा जो फ्लो मीटर का है इसके कनेक्शंस इधर साइड से हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस है, एक ए है, एक बी है, एक आई है। बेसिकली ये 5 टर्मिनल्स हैं। तो पहला वाला जो पॉजिटिव है वो सप्लाई का है 24 वोल्ट, दूसरा वाला जो नेगेटिव है वो माइनस का है 24 वोल्ट की जो सप्लाई SMPS से आएगी माइनस टर्मिनल। ये जो है ए और बी, ये मोडबस है RS485 कम्युनिकेशन कराने के लिए, और ये वाला जो है वो करंट आउटपुट है। तो यहाँ पे मैंने मिली एम्पियर का प्लस कनेक्ट किया है और यहाँ से मैंने नेगेटिव टर्मिनल कॉमन है, मतलब इनपुट में भी रहेगा आउटपुट में भी रहेगा, तो आप इसको 3 टर्मिनल डिवाइस बोल सकते हैं। मैंने यहाँ से इसका प्लस माइनस मिली एम्पियर का लेकर के इसके 13 और 14 में दे दिया है। ये हमारा कनेक्शन ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसके सेटिंग पैरामीटर्स बताता हूँ क्या क्या हैं। जस्ट मैं डिवाइस ऑन करता हूँ तो अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ रैंडम रीडिंग्स दिखा रहा है, मतलब 00 के फॉर्मेट में। अभी जैसे ही कुछ फ्लो, ये एक रैंडम आ गया कि क्या डिटेक्ट हुआ है। अब मुझे इसका कुछ सेटिंग करना है, बेसिक सेटिंग्स। तो मैं क्या करूँगा, F3 की को प्रेस करके रखूँगा और जस्ट रिलीज़ कर दूँगा तो ये प्रोटेक्शन राइट इनेबल में चला गया। उसके बाद मैं F1 की को प्रेस करता हूँ तो ये इस केस में जाएगा जो अपने मोड अभी काम का नहीं है। तो मैं वापस अगेन F1 करूँगा तो ये इसमें आ गया। देन F2 प्रेस करूँगा तो एंटर की तरह काम करेगा। तो पहला पैरामीटर है इसमें रेंज यूनिट। तो देख सकते हैं आप, अभी मैंने मीटर के ऊपर आवर लिखा है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स और अवेलेबल हैं। तो देन मुझे F1 की को प्रेस करके रखना है और यहाँ से जस्ट मुझे F2 दबाना है। तो ये लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मिनट, लीटर पर आवर, ये फीट क्यूब पर सेकेंड, फीट क्यूब पर मीटर, फीट क्यूब पर आवर, ऐसे ही USG पर सेकेंड, USG पर मीटर, USG पर आवर, UKG पर सेकेंड, UKG पर मीटर और UKG पर आवर, ऐसी डिफरेंट कई सारी यूनिट्स है। तो मेरे को जो डिज़ायर्ड यूनिट है दैट इज़ कि अपने को मीटर क्यूब पर आवर करना है, बहुत सारी यूनिट्स हैं तो ये मीटर क्यूब पर आवर आ गया है। मैं ये सेट करने के लिए अगेन F1 की को प्रेस करके रखूँगा और इससे बाहर आ जाऊँगा। तो ये रेंज सेट हो गई है मेरी, रेंज यूनिट। अगेन F2 दबाया तो ये रेंज है 100%। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम फ्लो, जो रेट आपका फ्लो है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर करने के लिए वही प्रोसेस है, F1 को आप प्रेस करके रखिए और यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा तो F2 से शिफ्ट होगा और F1 से वैल्यू चेंज होगी, वो आप कर सकते हैं। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी रेंडम सेट कर दिए। फिर अगेन मैं F1 दबाऊँगा, ये सेट है। फिर F3 पैरामीटर पर जाएंगे तो सेम चीज़ है, रेंज 0% पे। तो 0% पे 0 फ्लो रहेगा, ये फिक्स है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर आएगा डैम्पिंग 3 सेकेंड्स का, मतलब कि आपकी रीडिंग का जो सिग्नल्स का जो है, सिग्नल रिसीव करने का टाइम वो 3 सेकेंड्स का रहेगा, ये सेटेड है। इसको आप 0.5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स तक कर सकते हैं। फिर अगेन F2 दबाया तो डेसिमल पॉइंट है, बेसिकली मैंने 2 रखा हुआ है। हम मीटर के ऊपर और में बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 इज़ अ सफिशियंट है तो मैंने 2 रखा है। इसमें रिले का ऑप्शन नहीं है, ये रिले फीचर्स के लिए। यदि रिले फीचर्स यदि कोई मेरे से डिमांड करता है तो मैं रिले ऑप्शन दे करके यहाँ पे उसके अलार्म के डाल सकता हूँ, मतलब किस फ्लो पे मुझे क्या मिलेगा। ये लो का है, ऐसे ही मेरा हाई, ये लो हिस्टेरिसिस है। सपोज़ कि मैंने 10,000 मीटर क्यूब पर आवर से फ्लो हो रहा है और मैंने अलार्म डाल दिया 6,000 मीटर क्यूब पर आवर का और मैंने हिस्टेरिसिस डाल दिया लो का, तो वो मुझे 6 तक में जाते हुए 4 पे ही लो का अलार्म का इंडिकेशंस मिलने लगेगा कि 4 के आने के बाद मुझे एक अलार्म हिस्टेरिसिस मिल जाएगा, मतलब हिस्टेरिसिस सेट कर दूंगा मैं। ऐसे ही हाई का अलार्म का सेटिंग है और ऐसे ही हाई का हिस्टेरिसिस है। देन फिर ये कॉन्ट्रास्ट है LCD का, जो कि 3 सेटेड है। आप चाहे तो 2 या 1 कर सकते हैं, तो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा। तो अच्छा विजुअल होने के लिए मैंने 3 सेट किया हुआ। इसमें मोडबस है क्योंकि RS485 है, यदि आपको कम्युनिकेशन कराना है
सपोज कि मेरे पास 10 फ्लो मीटर है तो मैं उसकी आईडी 1, 2, 3, 4 अलग अलग रख सकता हूँ इंटरफेस कराने के लिए, और किसका डेटा आ रहा है मैं वो भी देख सकता हूँ। या आप देख सकते हैं मॉडबस बॉड रेट 9600 है जो कि हमारा स्टैंडर्ड होता है, पैरिटी को नन रखना है, मॉडबस स्टॉप बिट 1 रहेगी, और ये हाई लेवल लिमिट। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपने को ये पैरामीटर, जैसे सपोज ये कैनाल में लग रहा है तो आप ऑप्शन हो सकता है वीयर का साइज़ अलग अलग हो सकता है, स्क्वायर रहे, रेक्टेंगुलर रहे या ट्रेपेजॉइड रहे। तो सपोज़ कि मेरी कैनल है 3 मीटर की तो मुझे यहाँ पे 3 मीटर सेट करना पड़ेगा, तो 3 मीटर ही मेज़र करेगा, और इसकी जो माउंटिंग होगी वो 3.3 मीटर पे होगी, मतलब 300 mm जो है वो मुझे ऊपर रखना है क्योंकि 300 mm का डेड बैंड है। यदि आप 3 मीटर की रख के 3 मीटर पे लगा देंगे तो जो आपका मेजरिंग है वो 2.7 मीटर रह जाएगा, तो ये आपको डेड बैंड का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आगे जाता हूँ तो ये लो लिमिट है, लो लिमिट 0 रहेगी। उसके बाद ये टोटल लिमिट आ गई मीटर के ऊपर, अब डेंसिटी वाटर की 1 रहेगी। कोड, अब यहाँ कोड की बात है तो हमारे लिए सिर्फ एक मोड काम का है कि मुझे वियर का साइज़ पहले से पता है और डिफाइन करना है, और मुझे देखना है कि इसमें क्या प्री डिफाइंड है। तो देन मैं F1 को प्रेस करूँगा, इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे कोड डालूँगा 90। ये OCM टाइप आ गया कि आपका क्या क्या टाइप्स हैं। तो अभी जैसे पार्शियल फ्यूम सेटेड है तो मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। एक यूज़र डिफाइंड आएगा, एक वी नॉच वीयर आ जाएगा, एक रेक्टेंगल आ जाएगा, एक ट्रेपेजॉइड आ जाएगा, एक पार्शियल फ्यूम्स। अभी मैंने पार्शियल फ्यूम्स को ले कर रखा हुआ है तो अभी यही सेट रहने देते हैं, जिस क्लाइंट का जैसा रिक्वायरमेंट वो वैसा सेट कर सकता है। अब यहाँ से मुझे बाहर आना है तो देन अगेन मुझे F3 को लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो मैं इससे बाहर आ जाऊँगा इस मोड से, और मुझे इस मोड से फिर बाहर आना है तो मैं जस्ट आगे जाके यहाँ से F3 प्रेस करूँगा तो यहाँ से फिर बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा परसेंटेज दिखा रहा है। अब यदि सपोज मुझे परसेंटेज नहीं देखना है तो मैं ये F1 को थोड़ी देर प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ करेंट आ गया कि कितने मिली एम्पियर है, और फिर इसको प्रेस करके रखूँगा तो टेम्परेचर आ जाएगा। देन फिर मैं F1 प्रेस करूँगा तो ये टोटल जो फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा। तो ये आपका एक ओवरव्यू है अल्ट्रासोनिक ओपन चैनल फ्लो मीटर के लिए। थैंक यू।